फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का रूल नंबर 14। ठीक है, बिटवीन इज ऑलवेज फ्लोड बाय एंड। बिटवीन जो होता है उसके साथ क्या होता है, ऑलवेज एंड का यूज होता है। ठीक है, एंड नॉट टू, बिटवीन के साथ हम लोग टू का यूज नहीं कर सकते हैं। बिटवीन जो होता है उसके साथ ऑलवेज क्या होता है, एंड का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही विल डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट बिटवीन 4 PM to 5 PM। क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि बिटवीन जो होता है, बिटवीन के साथ क्या होता है, हम लोग टू का यूज नहीं करते, इसलिए गलत है। बिटवीन के साथ क्या होता है, एंड का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही विल डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट बिटवीन 4 PM and 5 PM। ये सही है। क्यों? क्योंकि बिटवीन जो होता है उसके साथ क्या चीज का यूज करते हैं, हम लोग एंड का यूज करते हैं, इसलिए सही है। अगर यहाँ पे टू होता तो ये भी गलती हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही विल बी डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट फ्रॉम 4 PM to 5 PM। ये भी सही है। क्यों? क्योंकि जो फ्रॉम होता है ना, हम लोग फ्रॉम के साथ टू का यूज करते हैं, लेकिन बिटवीन के साथ टू का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे कि बिटवीन के साथ हम लोग एंड का यूज करते हैं, टू का नहीं करते हैं, और फ्रॉम के साथ किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 15। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, बिसाइड जो होता है एक प्रीपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है कि एट द साइड ऑफ या नेक्स्ट टू। इसका मतलब क्या हुआ, बिसाइड का मतलब वह एक प्रीपोजिशन होता है और उसका मतलब होता है एट द साइड ऑफ या नेक्स्ट टू। ठीक है, नेक्स्ट होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, यह एक लिंकिंग एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है एडिशन टू। ठीक है, या एल्सो, बिसाइड्स का मतलब हुआ एडिशन टू या एल्सो, और बिसाइड का मतलब क्या हुआ, एट द साइड ऑफ या नेक्स्ट टू। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। कॉम एंड सीट हियर बिसाइड मी। ठीक है, तो ये सही है, कॉम एंड सीट हियर बिसाइड मी। ठीक है, नेक्स्ट, सी नेल्ट डाउन बिसाइड द चाइल्ड। सही है, ठीक है, डू यू प्ले एनी अदर स्पॉट बिसाइड बास्केटबॉल। इसी यहाँ पे बिसाइड का यूज क्यों हुआ, क्योंकि क्या हो रहा है कि डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो अदर स्पॉट बिसाइड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल के अलावा भी आप कुछ अदर क्या करते हैं, स्पॉट जानते हैं, खेलते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या चीज का यूज हुआ, बिसाइड्स का यूज हुआ, मतलब इसके अलावा, मतलब एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, बास्केटबॉल के अलावा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बिसाइड्स बींग ए डॉक्टर ही इज ऑल्सो एन एक्टर। मतलब वो डॉक्टर के अलावा क्या है, एक्टर भी है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन टू हुआ। एडिशन जब भी होगा तो हम लोग बिसाइड्स का यूज करेंगे, बिसाइड का नहीं करेंगे। बिसाइड मतलब क्या हुआ, साइड ऑफ हुआ या नेक्स्ट टू हुआ, और बिसाइड्स का मतलब क्या हुआ, एडिशन टू या एल्सो। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 16। इसमें हम लोग देखेंगे कि यूज ऑफ प्रीपोजिशन विद द वर्ड डाई। जो वर्ड हम लोग का डाई होता है उसके साथ हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, वी यूज इधर द प्रीपोजिशन ऑफ और फ्रॉम विद द वर्ड डाई। जो वर्ड डाई होता है उसके साथ हम लोग ऑफ का भी यूज करते हैं और फ्रॉम का भी यूज करते हैं। ठीक है, दोनों प्रीपोजिशन का हम लोग डाई के साथ यूज करते हैं। तो हम लोग ऑफ का यूज कहाँ करेंगे, फ्रॉम का कहाँ करेंगे, सो देखते हैं। वी यूज डाई ऑफ, मतलब डाई ऑफ कहाँ यूज करेंगे, वेन एवर इट इज टॉक अबाउट डिजीज। जब हम लोग बीमारी के बारे में बतलाएंगे तो हम लोग डाई ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, वी यूज डाई फ्रॉम वेन एवर इट इज टॉक अबाउट द रीजन। अच्छा, हम लोग रीजन का बात करेंगे ना तो हम लोग उसमें डाई फ्रॉम का यूज करते हैं। डाई ऑफ का यूज हम लोग बीमारी को बतलाने में यूज करेंगे,
और डाई फ्रॉम का यूज तब करते हैं जब हम लोग रीजन बतलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सी डाई फ्रॉम ओवर वर्क। यह डाई फ्रॉम क्यों लगा? क्योंकि ये क्या कर रहा है, रीजन की बात कर रहा है, ठीक है। ही डाई ऑफ कैंसर, ये भी सही है। यहाँ ऑफ क्यों लगा डाई ऑफ, क्योंकि ये क्या होता है, बीमारी के बारे में बात कर रहा है। कैंसर क्या है, डिजीज है, ठीक है। ट्रीज आर डाइंग फ्रॉम ए सीड रैन, ट्री क्या हो रहा है, डाइंग फ्रॉम ए सीड रैन, ठीक है। यहाँ फ्रॉम का यूज क्यों किया, डाइंग फ्रॉम क्योंकि क्या बतला रहा है, रीजन की बात कर रहा है, ठीक है। जब भी रीजन की बात हो ना तो हम लोग डाई फ्रॉम लगाते हैं, और जब हम लोग डिजीज के बारे में बात करें, जब बीमारी के बारे में, तो डाई ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।